सो व्हाट्सअप फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका एक नए एपिसोड में। सो ऑलरेडी आपको थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज का वीडियो है अ डे इन माय लाइफ पे। सो सुबह के हो रहे हैं करीबन 12, आज मैं उठा हूँ थोड़ा सा लेट, तो चलो चल के आपको दिखाता हूँ कि मेरा दिन कैसा रहता है आज का। सो फैमिली, हम हो चुके हैं फटाफट से रेडी और अब हम जा रहे हैं लंच करने। वेट कर रहे हैं एक और फ्रेंड का, आ जाए वो फटाफट से, तो आप लोग को मिलाता हूँ उससे और हम चलते हैं लंच करने। चलो फटाफट से। सो फैमिली, हम आ चुके हैं पीजी से बाहर और ये रहा हमारा दोस्त ध्रुव। हाय ध्रुव। सो हम जा रहे हैं राजमा चावल खाने के लिए, फटाफट से आओ आप लोग मेरे साथ। फैमिली, हम पहुंच चुके हैं राजमा चावल खाने के लिए अपनी सुबह की भूख मिटाने के लिए। तो ये रहे भैया जो राजमा चावल बनाते हैं। इनके राजमा चावल बहुत अच्छे होते हैं, उनकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल रहती है, जस्ट 20 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ प्लेट में ये देते हैं राजमा चावल। सो आओ आज खाते हैं हम फटाफट से राजमा चावल। ध्रुव, ऑर्डर कर दिया? हाँ, तो इसने कर दिया ऑलरेडी 2 हाफ ऑर्डर। सो फाइनली हो चुका है हमारा लंच डन और अब हम जा रहे हैं कॉलेज। तो कॉलेज तो आप ऑलरेडी मेरा देख चुके हो, बट कोई नहीं, थोड़ी सी क्लिप्स आज भी देख लो, ठीक है? आज दिखाता हूँ कि पूरे दिन में मैं क्या क्या करता हूँ एक्चुअली। यार बारिश की वजह से कॉलेज का प्लान तो हो गया था कैंसिल, जैसा कि आपने देखा बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अभी फाइनली बारिश रुक चुकी है और हम जा रहे हैं चाय का रिव्यू करने, बहुत अच्छी अच्छी चाय पीने। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है? मिलते हैं आपसे आगे। हमने कर लिया है फटाफट से ड्रेस चेंज, क्योंकि बाहर का मौसम हो रहा है थोड़ा सा ठंडा और हमें लगा फुल पहनना ज़्यादा बेटर होगा। हम जा रहे हैं चाय पीने और आज हमारे साथ हैं हमारे 3 दोस्त। पहले हैं ध्रुव। हेलो भाई। फिर है दिनेश। हेलो भाई। दिनेश कहाँ जा रहे हैं हम आज? चाय सुट्टा बा जा रहे हैं, MB चाय वाले के जा रहे हैं और कूलर चाय के जा रहे हैं। ओके। फिर है लव। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं चाय सुट्टा बार, MB चाय वाला और कूलर चाय। चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं, छोटा सा कंपैरिजन वीडियो भी होगा कि इन सब में से किसकी चाय ज़्यादा बेटर है, दिखाते हैं आपको आगे। आज हम आए हैं MB चाय वाले के आउटलेट पे, दिखाते हैं सबसे पहले MB चाय वाले की चाय कैसी होती है। आज कौन सी चाय पिला रहे हो? सॉफ्ट चाय। पिछले बार भी पी थी, इस बार क्या पिला रहे हो? इस बार क्या पिलाया आप बताओ, मेरी तो सारी सही है। ये बोल रहे हैं इनकी सारी चाय अच्छी है, देखते हैं आज क्या पीते हैं। आज हम पीते हैं अदरक इलायची। चलो आज अदरक इलायची पियेंगे। फाइनली गाइस, हमारी चाय आ चुकी है, लेट्स ट्राई चाय गाइस। यार अदरक इलायची चाय तो बहुत प्यारी है यहाँ की, मस्ट ट्राई है। अभी देखते हैं बाकी लोगों की चाय कैसी है, अदरक इलायची मेरे ख्याल से मैक्सिमम हम ट्राई करने वाले हैं क्योंकि शायद हर आउटलेट में, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या बोल रहा था, कैसी है चाय? बढ़िया भाई, और कैसा मंगाई चाय पी के? चलो बढ़िया, देखो कैसी लगी तुम्हें। फाइनली हमने पी लिया है यहाँ की चॉकलेट चाय और अदरक इलायची चाय। चॉकलेट चाय में यार सच में, मतलब मैंने और भी जगह की चॉकलेट चाय ट्राई की है, बट तुम पता है चॉकलेट का एसेंस सिर्फ आता है, चाय का कोई एसेंस नहीं बचता। लेकिन यहाँ का ना चॉकलेट चाय कुछ ऐसा है कि यार
चॉकलेट के साथ साथ चाय की बहुत अच्छी एसेंस आ रही है, बहुत अच्छा टेस्ट था। लग नहीं रहा था कि मैं सिर्फ चॉकलेट चाय पी रहा हूँ, लग रहा था कि प्रॉपर हाँ मैं चाय पी रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा एसेंस है बस चॉकलेट का। और उसी तरह अदरक इलायची चाय भी इनकी बहुत टेस्टी थी। हम इसके बाद हम जा रहे हैं चाय बे पे, टेस्ट करते हैं चाय बे की चाय कैसी होती है और आपको रिव्यू वहीं कर देते हैं। तो यार चाय वाले की चाय पीने के बाद हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे चाय बे, यहाँ की चाय करेंगे ट्राई। ये बेसिकली जैसे ही आप निकलोगे तो गली में ही है, सो हम यहाँ की चाय ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पे चाय एमबी चाय वाले के कंपैरिजन में बहुत सस्ती है। वहाँ हमने चॉकलेट चाय पी थी 20 रुपए की और अदरक इलायची पी थी 40 रुपए। यहाँ पे सेम चाय हमें मिली है 25 रुपीज़ बीच में। तो ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसा है टेस्ट और कंपेयर करते हैं थोड़ा सा कि दोनों का में से टेस्ट किसका ज़्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं चाय के बाद, चाय आ रही है हमारी 5 मिनट के अंदर। तो यार अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताऊँ तो चॉकलेट चाय तो मुझे एमबी वाली की ज़्यादा बेटर लगी, ठीक है, बट हाँ अदरक इलायची चाय चाय भी की ज़्यादा बेटर है। इन से रिव्यू जानते तो बता भाई कैसा लगा? अच्छी है भाई, अदरक इलायची, अदरक इलायची अच्छी है। गणेश भाई इसकी इतनी बढ़िया नहीं लगी मेरे को, एमबी वाली की बढ़िया है। कैसी लगी चाय? अदरक इलायची मैंने वहाँ भी पी थी, ये वाली ज़्यादा अच्छी है और चॉकलेट मैंने वहाँ ट्राई नहीं करी थी तो उसके लिए कुछ कहना। तो यार फैमिली चाय बे की चाय भी हो चुकी है कंप्लीट, हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। देखते हैं अब हम कहाँ जा रहे हैं, कुल्हड़ चाय जा रहे हैं या चाय सुट्टा बार जा रहे हैं या बीच में कोई और चाय भी मिलती है, देखते हैं जैसा भी होगा बताते हैं आपको। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। फाइनली फैमिली हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे चाय को टेस्ट करने। हम आए हैं फिलहाल कुल्हड़ चाय पे। यहाँ पे यार मेनू देख के मेरे को लग रहा है 15 से 20 चाय है इनके पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जिसमें कुल्हड़ तंदूरी चाय, कुल्हड़ राजवाड़ी केसर चाय, कुल्हड़ चाय अदरक चाय इलायची चाय, बहुत सारी चाय है इनके पास। तो देखते हैं हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं एंड उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। आ चुके हैं इनके ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, एम्बियंस के वाइज ये दोनों से बहुत अच्छा है, ठीक है। और हमने ऑर्डर किए यहाँ पे रजवाड़ी केसर चाय जो बहुत टेस्टी है इन्होंने बताई, तो टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसी लग रही है। फैमिली आ चुकी है हमारी चाय इस प्यारी सी ट्रॉली में, ये रही मेरी केसर चाय और ये रही भाई लोग की मसाला चाय। फाइनली फैमिली हमने ट्राई कर ली है कुल्हड़ चाय भी, हम आ चुके हैं वापस इनके बेसमेंट में क्योंकि ऊपर हो रही थी बहुत ज़्यादा नॉइस और रिकॉर्ड करने में हो रही थी बहुत ज़्यादा परेशानी। सो अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो मैंने ट्राई की थी यहाँ पे रजवाड़ी केसर चाय, वो यार एक नंबर थी, मतलब नेक्स्ट लेवल चाय थी। मैंने वैसी चाय फिलहाल पहले नहीं पी थी शायद, ठीक है। और लव ने ट्राई की थी मसाला चाय, वो भी बहुत अच्छी थी उसके हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं फाइनल रिव्यू की बात करूँ तो यार तीनों ही आउटलेट्स बहुत अच्छे थे, तीनों आउटलेट्स की अलग अलग स्पेशलिटी थी। लाइक एमबी चाय वाला की जो चॉकलेट चाय थी, सॉफ्ट चाय थी और मसाला चाय थी, तीनों बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएँ चाय वे की, तो चाय वे की चॉकलेट चाय मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी, बट हाँ मसाला चाय उनकी भी बहुत अच्छी थी, अदरक इलायची चाय जिसको वो बोलते हैं बहुत अच्छी थी। और अगर मैं बात करूँ कुल्हड़ चाय की, यहाँ की प्रेजेंटेशन और यहाँ का आउटलेट तो है नेक्स्ट लेवल, ठीक है। इन्होंने एक छोटी सी मिनी ट्रॉली में दी, जैसे आपने देखा होगा वीडियो में, मिनी ट्रॉली में आई थी चाय जो बहुत प्यारी लग रही थी, सुंदर लग रही थी, साथ साथ जो इनकी चाय का टेस्ट था वो था टोटली नेक्स्ट लेवल। चाय मतलब यार गले से उतर के ऐसा लग रहा था कि यार इतनी गर्म चाय तो और इतनी तेज मसाले वाली चाय कि मेरी थोड़ी सी सर्दी हो रही थी। अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग ब्लॉग में बोला था कि मौसम थोड़ा थोड़ा बाहर का ख़राब, इसलिए मैं फुल पहन रहा, तो यार मेरा जो गला था थोड़ा सा अकड़ रहा था, बट अभी यहाँ की चाय पीने के बाद मेरा गला हो चुका है टोटली परफेक्ट। गाइज जब से कि हमने व्लॉगिंग स्टार्ट, मेरा दिन जाता है कुछ ऐसा, सुबह उठता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, वापस आता हूँ, कुछ ना कुछ कंटेंट सोचता हूँ, वहाँ के लिए निकल जाता हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्पार्क मॉल अपनी एक और फ्रेंड से मिलने के लिए, आओ आप लोग को भी मिलाता हूँ उससे और उसके बाद हम चलेंगे। फटाफट से हम पहुँच चुके हैं स्पार्क मॉल और ये बैठी मेरी फ्रेंड इशिता। हाय इशिता। हाय। सो कैसा है आज का दिन? अच्छा है। बारिश इंजॉय की? यार ये सोती रहती है हमेशा, ठीक है। अभी यहाँ पे मिले हैं, देखते हैं क्या खाते हैं और आपको दिखाते भी हैं शायद, इसके बाद हम चलेंगे पीजी। अभी मैं आ चुका हूँ वापस से पीजी। आप वंडर कर रहे होगे कि मैं तो था स्पार्क मॉल में, अचानक से मैं पीजी कैसे आ गया। सो होता कुछ ऐसा है कि मैं जब टाइम लैप्स लगाता हूँ स्पार्क मॉल में तो मेरा फ़ोन हो जाता है स्विच ऑफ,
जो मुझे खुद नहीं पता चलता। स्पार्क मॉल में हम खाते हैं सागर रस्ता में डोसा और उसके बाद खाते हैं चॉकलेट रूम में जाके चॉकलेट एवलांच। मस्ट रिकमेंडेड फॉर द चॉकलेट लवर। अगर आप चॉकलेट लवर हो तो चॉकलेट एवलांच जरूर ट्राई करना, बेस्ट डिज़र्ट है वहाँ का। इसके बाद मैं आ जाता हूँ पीजी। पीजी में आके करता हूँ फ़ोन को चार्ज। और अभी यार मैं वापस आया तो देखो मेरे को क्या दिखा। ये है मेरा कुछ पीजी ऐसा दिखता है, जिसमें ऊपर है नीचे दो बंकर बने हुए हैं। पीजी का कभी और बाद में मैं टूर दूंगा। मैं जैसे ही अपने पीजी आता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि मेरे बेड पे ऑलरेडी कोई और बैठ के अपना काम कर रहा है। और ये देखो, ये रहे हमारे ध्रुव और दोनेश भाई। कैसी लगी आज की चाय भाई? मज़ेदार, सबसे अच्छी कुल्हड़ चाय। लो, इसने पहले ही रिव्यू दे दिया कि सबसे अच्छी कुल्हड़ चाय है। ठीक है, सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? सो रात के बज रहे हैं करीबन एक और अभी मैं अचानक से सो के उठा और मुझे कुछ अनरियलिस्टिक नोटिस हुआ। और मैं जब उठ के गया हूँ तो मुझे कुछ देखने को मिला बहुत फ़नी सा। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पीजी में रात में लोग क्या क्या करते रहते हैं। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। सो कुछ ऐसा हुआ है यार, रुको आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो, यहाँ ये चद्दर ओढ़ के कोई इंसान खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सेटअप कर रखा है शायद कुछ, तो देखते हैं हम लोग भी इंजॉय करते हैं कि क्या होने वाला है। आप सबको दिखाते हैं, शायद कुछ एक्साइटिंग कंटेंट मिलने वाला है। और सच में गाइस, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, शायद इनका होगा, मेरा नहीं है। मैं क्योंकि छुप के ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हूँ और इनको बिना बताए मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिखाता हूँ आपको क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है शायद, क्योंकि चद्दर ओढ़ा हुआ इंसान बहुत अजीब सा लग रहा है फिलहाल, ठीक है। सो मिलते हैं आगे। यार इस बूट के साथ मैं खुद आ गया हूँ अब, और प्लान का पता चल गया है। हम जा रहे हैं मैनेजर को डराने, बहुत गंदा वाला। तुम सबको बहुत मज़ा आने वाला है फिलहाल, मिलते हैं आगे। कुछ ऐसा हो गया है कि हमारे मैनेजर सर की हो गई थोड़ी सी तबीयत खराब। प्रैंक थोड़ा सा गलत चला गया है, मैंने अभी उन्हें दी है मेडिसिंस और वो कर रहे हैं आराम। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।